आज नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज में आर्गोनॉमिक्स विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें हस्तकला से निर्मित वस्तुएं शामिल रहीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान की अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह के अलावा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी, शिवाजी सिंह, डॉक्टर कनक मिश्रा सहित अन्य शिक्षक और छात्राएँ मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गृह विज्ञान के छात्राओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि द्वारा फीता काट का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर कनक मिश्रा और गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह ने बताया। ये प्रसार प्रसार का माध्यम है और इसमें किसी भी गांव में जाकर कोई भी कहानी को या कोई भी उद्देश्य को प्रसार करते हैं, मतलब फैलाते हैं। स्लोगन है क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? स्टोरी है। सब भी हाँ सब चीज़ सब हाथ से बनाए गए। यहाँ पे कॉलेज में सिखाया जाता है, हम लोग सब लोग साथ में। ये तो मैडम कैंची लगा देती है रेडीमेड आइटम पे।
किए हैं धागे से, मतलब जो जो डिजाइन क्रिएट करनी थी क्रश है। पहले जैसे ये स्पाइडर है, ये चने की दाल का है और ये क्रश है। उसके बाद नॉटिंग करने के बाद उसको पानी गर्म किए हैं भगोने में, उसमें कलर डाले हैं डाई एंड डाई। कलर डालने के बाद फिर इसको उस कपड़े पानी में डिप कर दिए हैं, उसके बाद निकाल के फिर आधे घंटे के लिए उसमें छोड़ दिए हैं। फिर उसमें से निकालने के बाद ठंडे पानी में फिक्सर डाल के फिर इस कपड़े को उसमें डिप किए हैं। कितना समय लगता है टोटल? टोटल 45 मिनट। एक बार में कितना बनाती है? कितना बार में हम लोग ये एक दुपट्टा बनाए थे और एक बार में दो बनाए थे। मेन प्रोसेस इसका सेल कितना में होगा मार्केट में? अगर मार्केट में इसका सेल खरीदी जाएगी तो 200 के नीचे, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली हैंड प्रिंटिंग है, लेकिन हैंड प्रिंट ज्यादा होती है। कार्यक्रम आज गृह विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का है और आज यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय से विभाध्यक्ष डॉक्टर दिवारानी सिंह आई हैं। और आज प्रदर्शनी में बच्चों ने हैंडमेड प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें तरह तरह की कालीन, रक्स और कर्टेन, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना स्किल दिखा रहे हैं, जो भी स्किल डेवलपमेंट उनका कराया गया है कि कैसे किसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस बताई गई। धन्यवाद। गृह विज्ञान विभाग में जो बच्चों ने अपनी प्रायोगिक कला का प्रदर्शन किया है, स्पेशली जो क्योंकि यहाँ पे बीएससी होम साइंस का डिग्री प्रोग्राम चलता है, तो तीनों ही कक्षाओं के बच्चों ने, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ने, बहुत ही अच्छे से और इतनी काम की चीज़ें और अपने स्किल को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने बहुत उपयोगी वस्तुएं बनाई हैं। और साथ ही उन्होंने जो टेक्निक्स, जो लुप्त होती जा रही टेक्निक्स है, उनको वापस से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है, जिससे हम उसके माध्यम से जो हमारा हस्तशिल्प है उसको और सुदृढ़ कर सके। जैसे आपने, और इन्होंने कुछ और ऐसी चीज़ें, जैसे कुछ प्रयोग ऐसे किए हैं, बोरे से इन्होंने चटाई बनाई है, डोरमैट्स बनाए हैं, कुछ झोले भी बनाए हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रिंटिंग का वो करके बेडशीट को बहुत खूबसूरती से सजाया है, बहुत सारी कठपुतलियों को बनाया है, जिसके माध्यम से हम समाज को बहुत सारे छोटे बड़े जो संदेश हैं वो भी दे सकते हैं। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि बच्चों की जो भी ये प्रतिभा है उसको इन्होंने उभार करके इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।